अभी हमारे महापौर महोदय ने कल की घटना के बारे में जानकारी दी है। एक्चुअल में ये बड़ा शेमफुल है कि निगम के इतिहास में इस तरह की घटना। विधानसभा में तो ये कुछ आदत सी बन गई वहाँ के लोगों की कि वो इस तरह की मारपीट, और चाहे उनके चीफ सेक्रेटरी हो उनके साथ भी उनका व्यवहार ऐसा रहा। लेकिन दो उनके MLA जब हमारे यहाँ आए, आदरणीय अखिलेश पति त्रिपाठी जी और महेंद्र जी, तो उम्मीद ये थी कि हाउस को ठीक ढंग से चलवाने के लिए वो प्रयास करेंगे। हमारे दो विषय विशेष रूप से, एक प्रदूषण को लेके और दूसरे ये आबकारी नीति जो घोषित की है दिल्ली सरकार ने, इसके विरोध में हमने इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करनी थी। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके हमारे महापौर जी ने हमारे एक सदस्य को बोलने के लिए बोला, तो साथ में दूसरे भी बोल पड़े। अब उनको इस बात की पीड़ा रही कि हमारे लोग आबकारी नीति को लेके बोलने के लिए जब तत्पर रहे और उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो उनको सहन नहीं हुआ, और इस बात का हवाला दे गई भी आप हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा मैं काफ़ी अच्छे से हम भी देख रहे हैं कि नेता विपक्ष 2 मिनट का सबर नहीं कर सकते अपनी बात कहने के लिए। मान लो महापौर ने किसी को पहले बोलने का आमंत्रित कर दिया तो थोड़ा सा कई बार लेट सवेर होने वाली बात होती है, तो उनको भी थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए थी। एकदम से अपने स्थान से उठ के इतने गुस्से में, और महापौर की जो पट्टी लगी हुई थी उन्होंने वो फाड़ दी, और महापौर की पट्टी फाड़ने के बाद सभी लोग वेल में आ गए। और उन्होंने कहा कि भी आपको टाइम देंगे बोलने का। इससे पहले कांग्रेस की एक हमारी महिला सीमा जी जो है ना, सीमा दाहिरा, उन्होंने भी काफी उनको बोला कि तुम लोग वेल में आके इस तरह का व्यवहार करते हो और एजेंडा ऐसे ही पास हो जाता है, कभी चर्चा का मौका नहीं देते। उसने भी उनको काफी लताड़ा कहा, हालांकि महापौर महोदय ने उनकी स्थिति को देखते हुए उनको बोला कि आप बोल सकती हैं, उनको बुलवाया भी। वो भी उनको सहन नहीं हो रहा था कि भी चलो वातावरण ठीक रहे, ऐसी परिस्थिति में उस महिला को बुलवाया, उन्होंने अपनी बात कही, एजेंडा के बारे में भी बात करी, सारी चीजें करी, लेकिन उसके बाद उनको पेशेंस नहीं रहे। फिर दोबारा से आके वो इस तरह की हरकतें करते रहे और मामला बहुत तूल पकड़ता रहा। जब ऐसी स्थिति देखी तो हमारे महापौर जी ने 10 मिनट के लिए स्थगित किया हाउस को कि ताकि थोड़ा शांति बने। फिर इन्होंने फोन करके विकास गोयल जी को भी फोन करके बुलाया, एक आदमी हमारा जो OSDM उनको भी भेजा कि भाई चलो उनको बुला के लाए, एक बार बैठ के समझौता करते हैं, बात करते हैं, एक रास्ता निकालते हैं। मुकेश गोयल जी जो नेता कांग्रेस है उनको भी बुलाया, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। फिर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके कहा, यह एक इनका बड़प्पन है कि उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया जो है अडॉप्ट करी। ये कहा कि भाई चलो आके बैठ के बात करते हैं, कहीं कोई बात रह जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करने का एक अपना तरीका होता है, और उन्होंने उसको करने की कोशिश करी और समझाया, लेकिन नहीं आए। उसके बाद जैसे हाउस शुरू हुआ फिर वही बात, हमारे लोगों ने, महिलाओं ने सब ये बोलने की कोशिश की कि दिल्ली में जो ये शराब के ठेके खुल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है कि इस तरह से इन ठेकों को नहीं खुलने देंगे। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 846 ठेके दिल्ली में जब खुलेंगे, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है बस खाली कि पैसा कहीं से आए। और इस तरह से पूरे देश को, एक उन्होंने प्रदूषण के कारण पूरे देश को, पूरी दिल्ली को गैस चैम्बर तो बना ही रखा है, अब शराब का जो उन्हें चैम्बर और बना देंगे। ऐसी इन नीतियों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग सब करते रहे। उसके बाद जब इतना हंगामा हो रहा था तो हमारे विजेंद्र यादव जी शराब के विरोध में एक बोतल में पानी और पानी में चाय का जो है रंग डाल के, एक किस्म से थोड़ा चाय उसमें मिला के वो ले आए। वो तो एक सिंबॉलिक वो था कि प्रोटेस्ट था कि भाई आप शराब की बोतल के साथ ये कर रहे हैं, और जगह जगह वो इस बात को दिखा रहे थे, हमने भी, आपने भी वीडियो देखी होगी। तो उसमें इस चीज को एक सिंबॉलिक वे में वो इस चाय के पानी को ही कह के कि देखो ये शराब की बोतल है, वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हो सकता है उसमें कुछ किसी से धक्का पक्की भी हो गई होगी, खूब जोर जोर से लोगों का चिल्लाना ये करना। और जब हमारे मेयर साहब ने बोला कि भाई अब जब मामला संभल में नहीं आ रहा तो आप जो है ना अब अपना एजेंडा पढ़ना शुरू करो,
जैसे ही हमने एजेंडा पढ़ना शुरू किया, हमारे नेता सदन ने पढ़ना शुरू किया, मैं साथ में उसको जो है अनुमोदित कर रहा था, तो उनके हाथ से पूरा का पूरा एजेंडा छीन के अजय शर्मा जी ने हमारे सामने फाड़ा। तो बताओ ऐसी परिस्थिति वो जो पैदा कर रहे हैं, उसको फाड़ना है और फाड़ने के बाद हवा में ऐसे उछाला है जैसे कि उनकी ये रोज की आदत है। इससे पहले वो अनधिकार चेष्टा करके विकास गोयल जी जबरदस्ती वो तख्तियां लेके अंदर घुसरे गए, तो हमारे सिक्योरिटी वाले ने उनको रोका। उस बात का उन्होंने इतना बतंगड़ बनाया, भाई एक छोटी सी बात है, हमारे एम्प्लाई हैं, आपके भी एम्प्लाई हैं, निगम पार्षद चाहे आप पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो निगम पार्षद है, निगम को चलाना सब चीजों का उसकी जिम्मेवारी भी है, कभी 19 कभी 20 बात हो सकती है, तो ये उसकी जिम्मेवारी भी है कि वो उसको हाउस को कैसे चलाए। अब वो तख्तियों को लेके आ रहा था, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसको रोका। हमने तिवारी जी को बुला के अपने यहाँ पूछा भी क्या घटना क्या, कह रहे थी मैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, उससे मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया और विकास गोयल जी मेरे ऊपर गिर गए बल्कि। और उस बात का उन्होंने इतना पतंगड़ बनाया कि तिवारी जी ने मुझे मारा, मुझे धक्का दिया, मुझे ये किया, उसकी हिम्मत कैसे होगी, इलाज कर इस तरह से, मतलब एक चीज को स्मूथली चलाने का उनका उद्देश्य रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से हाउस ढंग से चलता नहीं है और हमें इन चीजों को फेस करना पड़ता है, हमेशा से ऐसे होता आया है। जब इतनी घटना घट रही थी और वो ये शराब की बोतल जिसको ये बार बार कह रहे हैं सब जगह, हम जैसे बात कर रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन एकदम ठीक बात, और उधर से जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा ये शराब की बोतल लेके आया, वो जब आप लोग पूछोगे या वो दिखाई देगा तो पता चल जाएगा कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। शराब की बोतल नहीं थी, वो सबको पता है कि पानी था, पानी में जो है चाय का रंग डाल रखा था। चलो एनी वे, जब वो दे रहे थे, इस बीच में आके हमारे महेंद्र गोयल जी जो विधायक थे, उन्होंने हमारे माननीय सदस्य भाई विजेंद्र यादव जी के पास आए और इनको जोर से जो है एक इतने जोर से थप्पड़ मारा, तो ये भी सन्न रह गए कि ये अचानक हुआ क्या। मतलब ये कमाल की बात है कि हाउस में बाहर का एक आए हुए एमएलए, और हमारे निगम के इतिहास में ये पहला ऐसा हुआ है कि हमारे निगम पार्षद को उन्होंने इस तरह से बदतमीजी की है, थप्पड़ उनको मारा है। हालांकि वो सब जगह इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं मारना चाहिए था और मैंने ये किया है, कहीं डिनाई नहीं किया उन्होंने, हमारे पास भी आए, फिर समझौता करने के लिए आए, बात करने के लिए आए, वहां भी उनका रवैया सबका यही था। जब चीजें सामने आई तो पता चला कि वो इस ये ऐसा लगता था कि ये सब प्रायोजित उन्होंने जो है मन बना रखा था। तो इस चीज की हम बहुत भर्त्सना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें इसको छोड़ेगी नहीं। ये डिसाइड किया गया, हमारे मेयर साहब ने भी बोला है कि हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे, उनके सामने भी जो है ना ये एक मेमोरेंडम बना के लेके जाएंगे कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ साथ FIR भी हम कराएंगे। हमने तभी पुलिस, हमारे माननीय सदस्य विजेंद्र यादव जी ने भी पुलिस को बुलाया और उन्होंने भी शायद पुलिस को बुलाया, तो जिसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी, FIR भी करवाई जाएगी और साथ में एलजी साहब के पास भी जाएंगे और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि इनके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम मीडिया के बंधुओं से भी ये प्रार्थना करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी आपके माध्यम से सबके सामने आता है, हमने जो बातें कही उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात आपको बताइए, उन्होंने की भी बात आप लोगों ने सबने सुनी है, चीज आपके सामने है, तो ये क्योंकि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी आप ही हो, तो हम आप लोगों से भी ये अपेक्षा करेंगे कि आप इस बात में भी ध्यान रखें और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये सब पब्लिक के सामने जाना चाहिए।